हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग. लेट मी नो, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? यस, ओके. क्लास का लिंक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं. यस, वेरी गुड आफ्टरनून. ओके, यस, कैसे हैं आप लोग? तो हार्द्या, मैंने तो मॉलिक्यूलर मार्कर का पूरा पोर्शन तो कवर अपने किया. आई थिंक हार्डली दो वीडियो अवेलेबल है. पूरा मॉलिक्यूलर मार्कर थोड़ी कवर किया है मैंने. जो मॉलिक्यूलर मार्कर कवर किया है वो आप कंसल्ट कर सकते हैं, जो कवर्ड नहीं है वो आप अपने एंड से पढ़ सकते हैं. ओके, हाँ जी, ये शेयर कर दी मैम. ओके, हर्षदीप, मैंने अभी इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन को गो थ्रू नहीं किया है, मुझे गो थ्रू करने दीजिए. अगर उसका सिलेबस अवेलेबल हुआ तो मैं फिर उसके बारे में आपको जरूर बताऊँ. यहाँ ठंड नहीं है क्या? यहाँ ठंड है, बट मैं रूम के अंदर बैठी हूँ तो मुझे उतनी ठंड नहीं लग रही, और अभी मैं बोलूँगी तो ऐसी हीट जनरेट हो जाती है, तो बोलते बोलते जो है मुझे और गर्मी लगने लगती है. सो दैट इज़ वाई. तो इतनी ठंड नहीं है कि अभी स्वेटर पहना जाए. हाँ, बाहर निकलो तो स्वेटर पहनना पड़ेगा. ओके, यस, सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं. कल का टॉपिक होगा फोटो पीरियडिज्म, सेम टाइम होगा 3 बजे का. आज से हम प्लांट का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उससे हम कवर अप कर रहे हैं. कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग में भी मिलेगी, क्योंकि मैं बीच के 2-3 दिन के लिए रहूंगी नहीं, तो उस टाइम मैं सोच रही हूँ उसके लिए रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर दूँ, तो वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी. चलिए तो शुरू करते हैं. उम्मीद करती हूँ जितने बच्चे इंटरेस्टेड थे वो आ चुके होंगे. ओके, यस, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बढ़िया होंगे. सो आज है लेक्चर नंबर 12 रिवीजन रीलोडेड सीरीज का, एंड वी आर स्टार्टिंग विद द प्लांट फिजियोलॉजी. प्लांट फिजियोलॉजी में जो हमारा पहला टॉपिक है वो होगा ABC मॉडल ऑफ फ्लावर, जिसमें हम ABCDE मॉडल के बारे में भी कुछ बातें करेंगे. ठीक है? ओके, चलो तो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले अगर हम ABC मॉडल ऑफ फ्लावर को देखें ना, तो हम इसको क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहला ही सवाल आता है कि हमें इसे क्यों पढ़ना है. तो ABC मॉडल में हम क्या करते हैं, प्लांट में ये जो रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है, जिसमें कि फ्लावरिंग का डेवलपमेंट, फ्लावर का डेवलपमेंट होता है, अलग अलग ऑर्गन बनते हैं. तो ये जो ऑर्गन बन रहे हैं, जैसे फ्लावर में आप देखते हो कि हाँ, दिस इज कार्पल, ठीक है, दिस इज सेपल, दिस इज पेटल, दिस इज स्टेमन. ये सब जो ऑर्गन बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑर्गन का फॉर्मेशन, इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके पीछे कुछ जीन्स इन्वॉल्व होती हैं, और इन जीन्स को हमने क्या किया है, कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है. इसी कैटेगरी में से एक कैटेगरी है ए क्लास, दूसरी है बी क्लास, तीसरी है सी क्लास, ठीक है, नेक्स्ट है डी, और नेक्स्ट है ई क्लास. ये जो कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है ना हमने, इसी के बेसिस पे हम जीन को नाम देते हैं. इस कैटेगरी में आने वाले जीन्स वैरी कर सकते हैं,
तो अगर मैं फिर से दिखाना चाहूं तो देखिए, जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो मेल पार्ट है दैट इज व्हाट कॉल्ड द स्टेमन, जो फीमेल पार्ट है उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं दैट इज कार्पल। ठीक है, बाहर का जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो कहलाता है सेपल, और जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का उसे हम कहते हैं पेटल्स। ये ऑर्गन के नाम पता होने आपको जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम एबीसी मॉडल के बारे में बात करते हैं तो देखिए, जैसे आपने सुना होगा बहुत से क्लासेस ऑफ जीन्स पाई जाती हैं। ठीक है, जीन क्या होती है, जीन की भी फैमिली होती है, जीन फैमिली होती है। इसी जीन फैमिली में से एक फैमिली है जिसे हम कहते हैं मैट्स बॉक्स फैमिली। ये जो एबीसी क्लास ऑफ जीन है ना, ये इसी मैट्स बॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है। और ये एबीसी क्लास में कौन कौन से जीन है, हमने कहा कि क्लास ए जीन पाई जाती है बी सी, अभी फिलहाल में हम एबीसी पढ़ रहे हैं, सी डी और ई के बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगी। तो होता क्या है कि जो प्लांट में जो फ्लावरिंग हो रही है, फ्लावर के जो डिफरेंट ऑर्गन है, उन ऑर्गन को जीन के थ्रू बनाया जाता है, जीन के एक्सप्रेशन के थ्रू वो बनते हैं। उन्हीं जीन में से कुछ जीन ऐसी होती हैं जो एबीसी क्लास में डिवाइड होती हैं। तो कहानी कैसे चलती है, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, उसके बाद हम मैट्स बॉक्स के बारे में स्विच करेंगे। सबसे पहले जब फ्लावर की डेवलपमेंट की बात होती है, तो फ्लावर डेवलप होने से पहले प्लांट जो है अपने एक वेजिटेटिव स्टेट में होता है। ठीक है, इस टाइम पे वो वेजिटेटिव स्टेट से फ्लावरिंग स्टेट में ट्रांजिशन करता है। इस ट्रांजिशन को करवाने वाली जो जीन होती है उसे हम बोलते हैं फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन, FMI जीन। क्या करती है, ये शूट का कन्वर्जन फ्लावरिंग फेज में करती है, यानी जो अभी तक प्लांट में शूट वाला एरिया था वो फ्लावरिंग करने लगेगा। ऐसा करने के लिए इसमें भी कुछ जीन्स हैं, जैसे कि हो गया लीफी जीन, एपिटाला वन जीन, कॉलीफ्लावर जीन। ये सब जीन्स क्या करती हैं, ये फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन की कैटेगरी में आती हैं। ये जीन्स मदद करती हैं कि प्लांट अपने वेजिटेटिव फेज से अपने फ्लावरिंग फेज में एंट्री ले ले। ओके, अब क्या हुआ, चलो मान लेते हैं प्लांट फ्लावरिंग फेज में एंट्री ले लिया। अब प्लांट के पास कैपेबिलिटी है कि वो फ्लावर कर सकता है, फ्लावरिंग कर सकता है। अब फ्लावर में भी क्या होंगे, फ्लावर में भी ऑर्गन होंगे, ऑर्गन लाइक सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, ओवरी, ये सब ऑर्गन होंगे। अब उस ऑर्गन को बनाने के लिए क्या होगा, ऑर्गन को बनाने के लिए एक और कैटेगरी ऑफ जीन आएगी, जिसका नाम क्या है, देखिए नाम ही है इसका, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। ये क्या करेगी, फ्लावर में जो डिफरेंट ऑर्गन बनेंगे जैसे कि सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, ओवरी, इन सबको आइडेंटिटी देगी, और उसके बेसिस पे इनको नाम दिया गया है, दैट इज एपिटाला वन, दैट इज एपी वन, एपिटाला टू एपी टू, एपिटाला थ्री एपी थ्री, पिस्टिलाटा पी आई, एगमस एजी। और इन्हीं जीन को हम एबीसी क्लास में डिवाइड करते हैं, जैसे कि ए क्लास में एपिटाला वन और एपिटाला टू चले आते हैं, बी क्लास में पिस्टिलाटा एंड एपिटाला थ्री चले आते हैं, और सी क्लास में जो है एगमस चला आता है। होप दिस इज गेटिंग क्लियर टू एवरीवन। हाँ जी, समझ में आ रहा है, बता दीजिए एक बार। तो अभी जो हमने मैट्स बॉक्स के बारे में बात किया था, ये जो मैट्स बॉक्स बॉक्स फैमिली है, इसमें क्या होता है, इसमें ये सारे जीन चले आते हैं, लाइक एपिटाला वन, एपिटाला टी, पी आई, एगमस। ये जीन जो है मैट्स बॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनके पास मैट्स बॉक्स का एक कंजर्व रीजन होता है जो कि सब में पाया जाता है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन इज एपी टू, एपिटाला टू जो है वो मैट्स बॉक्स फैमिली का पार्ट नहीं, एपी वन है, एपी थ्री है, पी आई है, एगमस है, लेकिन एपी टू नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जो मैट्स बॉक्स जीन फैमिली होती है वो क्या करती है, वो मेनली डेवलपमेंटल प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करती है, प्लांट में ही नहीं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में भी। ठीक है, तो ये हो गई मैट्स बॉक्स के बारे में बातें। यहाँ पे हमने देख लिया कि फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन क्या कर रही है और फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन क्या कर रही हैं। अब जैसे कि हमने इसको डिवाइड किया है एबीसी क्लास में, ठीक है, कि एपिटाला वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया,
इस तरीके से. अब क्या करते हैं, हम समझते हैं कि कौन सी क्लास ऑफ जीन किसको एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो जरा सा ध्यान दीजिएगा यहां पे. ए क्लास जीन जो है, ए क्लास, पहले हम रिलेशन को समझते हैं. रिलेशन, ए क्लास जीन जो है ये म्यूचुअली इनहिबिट करती है सी क्लास जीन को, और सी क्लास जीन भी म्यूचुअली इनहिबिट करती है ए क्लास जीन को. यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पे ए रहेगा वहां पर कभी भी सी एक्सप्रेस नहीं होगा, और जहां पर सी रहेगा वहां पे कभी भी ए एक्सप्रेस नहीं होगा, चाहे अब वो नॉर्मल कंडीशन हो या म्यूटेशन कंडीशन हो. अगर मान लीजिए कहीं पे ए एक्सप्रेस हो रहा था और आपने ए को वहां से हटा दिया, तो फॉर श्योर उसकी जगह पर सी आकर एक्सप्रेस होने लगेगा. तो ये क्या होते हैं, ये म्यूचुअली एंटागोनिस्ट होते हैं. ये रहा आपका पहला पॉइंट. ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, बी क्लास जीन जो है वो हमेशा ही एसोसिएशन में एक्सप्रेस होता है. एसोसिएशन में मतलब वाइल्ड टाइप कंडीशन की बात कर रही हूँ, वाइल्ड टाइप कंडीशन में ये एसोसिएशन में एक्सप्रेस होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, बी क्लास जीन अकेले वाइल्ड टाइप कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं होगा, या तो वो ए के साथ एक्सप्रेस होगा या तो वो सी के साथ एक्सप्रेस होगा. ये है पूरा का पूरा केस. ठीक है, तो ए के साथ या तो एक्सप्रेस होगा या बी के साथ होगा. अब जरा अगर हम आइडेंटिटी की बात करते हैं कि ये जो ओवरऑल हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जीन कौन सी एक्सप्रेस हो रही है, तो जीन का जो एक्सप्रेशन होता है ना वो रोल्स में होता है. रोल्स मतलब कि ये समझिए जरा सा, सबसे अंदर वाला यानी फोर्थ रोल जो है यहां पर वो होता है कार्पल. ठीक है, थर्ड रोल में आपको मिलेगा स्टेमन, सेकेंड रोल में मिलेगा आपको पेटल, एंड फर्स्ट रोल में मिलेगा आपको सेपल. यानी अगर मैं फ्लावर को बाहर से अंदर की तरफ जाती हूं तो मुझे सबसे पहली जो रोल मिलेगी, रोल यानी एक तरीके से लेयर या पहला जो हमें पार्ट मिलेगा फ्लावर का, पहले मिलेगा सेपल, फिर मिलेगा पेटल, देन मिलेगा स्टेमन, एंड देन मिलेगा कार्पल. तो अगर हम इसको फर्स्ट रोल कहें तो फर्स्ट रोल ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये. इस तरीके से रोल्स डिवाइड होते हैं. अब ध्यान दीजिएगा कि सेपल को बनाने के लिए, ठीक है, यहीं पे अगर मैं लिखना चाहूं, सेपल को बनाने के लिए अकेला ए क्लास जीन इनफ होता है. पेटल को बनाने के लिए यहां पर ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन काम करता है. स्टेमन को बनाने के लिए यहां पर बी प्लस सी का कॉम्बिनेशन काम करता है, एंड कार्पल को बनाने के लिए अकेला सी काम करता है. इसको अगर और अच्छे से आप लिखना चाहते हैं तो पहले रोल को मैंने वन कर दिया, मैंने कहा पहले रोल में सेपल बनेगा, अकेला ए क्लास जीन की वजह से बनेगा. सेकेंड रोल में जो है पेटल बनेगा, वो बनेगा ए प्लस बी के कॉम्बिनेशन की वजह से. तीसरे रोल में बनेगा स्टेमन, ये बनेगा बी प्लस सी के कॉम्बिनेशन की वजह से. एंड फोर्थ रोल में बनेगा कार्पल, जो कि बनेगा सी क्लास जीन के एक्सप्रेशन की वजह से. अब हमने क्या किया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने ए क्लास जीन में भी टाइप ऑफ जीन डिवाइड किए थे. तो ए क्लास में कौन चला आता है, ए क्लास में चला आता है एपिटाला 1, एपिटाला 2, राइट. ए प्लस बी अगर हो गया तब कौन कौन आ गया, एपिटाला 1, एपिटाला 2, एपिटाला 3, पिस्टिलाटा, पीआई. बी प्लस सी हो गया तो AP3, PI, और ये हो गया एगमस, राइट. और ओनली सी में कौन एक्सप्रेस करेगा, एगमस. बताइए ये क्लियर हो रहा है सभी को. जी, इज दिस क्लियर टू एवरीवन. यानी एक नॉर्मल फ्लावर जब हमको दिख रहा है तो ये इस वजह से दिख रहा है.
अब अगर मैं आपको पहला पिक्चर दिखाऊं, ये वाला पिक्चर जिसमें कि कार्पल, स्टेमन ये सब बने थे, तो चलिए हम जरा सा देखते हैं कि ये किस जीन्स की वजह से बने थे। ठीक है, जैसे कि पहला हमने कहा, पहला रोल होगा सेपल। सेपल किसकी वजह से बना? ए क्लास जीन की वजह से बना। ए क्लास जीन में कौन आया? एपी वन आया और एपी टू आया, राइट। नेक्स्ट फिर बना पेटल। पेटल किसकी वजह से बना? ए प्लस बी के कॉम्बिनेशन की वजह से बना, जिसमें कि कौन आ गया? जिसमें आया एपी वन, एपी टू, एपी थ्री, पीआई, राइट। फिर क्या बना? फिर बना स्टेमन। किसकी वजह से बना? बी प्लस सी के कॉम्बिनेशन की वजह से बना। बी प्लस सी में कौन आया? एपी थ्री, पीआई, एगमस। और फोर्थ रोल बना कार्पल, जो कि किसकी वजह से बना? सी क्लास जीन की वजह से बना, जिसमें कौन आया? जिसमें आया एजी। समझ में आ रहा है? तो ये जो हमने डिफरेंट डिफरेंट रोल्स पढ़े थे, जिसे आप लेयर कह सकते हैं सिंपल भाषा में, रोल्स लाइक बॉटनी पढ़ते हैं जब बच्चे, तो रोल वर्ड यूज होता है। ठीक है, आप नॉर्मली अगर समझना चाहें तो लेयर किस तरीके से, बाहर से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो बाहरी सबसे पहली लेयर होगी स्टेमन, दूसरी होगी पेटल, तीसरी होगी पहली होगी सेपल, दूसरी होगी पेटल, तीसरी होगी स्टेमन एंड फोर्थ होगी कार्पल। आगे बढ़ा जाए, ओके चलो ये चीज क्लियर हो गई, राइट। अब देखिए इसको हम जो है एक टीनेट में ऑर्गेनाइज करते हैं। टीनेट में ऑर्गेनाइज करने की वजह से क्या होता है, वो डायग्राम अगर आपको समझ में आता है तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, क्योंकि बी क्लास जीन का एसोसिएशन ए और सी के साथ दोनों है, तो हम ऐसा कुछ टीनेट बनाते हैं। ये रहा बी क्लास का बॉक्स, लेकिन बी क्योंकि रिलेशन में है ए के साथ, जैसे ये रहा ए, और क्योंकि बी सी के साथ भी रिलेशन में है, ये रहा ऐसे, दैट इज सी। ए सी को रोकेगा, सी ए को रोकेगा, ठीक। लेकिन अगर मैं यहीं पे फ्लावर को देखना चाहूं, तो क्योंकि अकेला ए, ये वाला एरिया जो है अकेला ए बता रहा है, ये वाला एरिया बता रहा है कि ये वाली चीज भी इसके साथ कंबाइन हो रही है, मतलब ए प्लस बी बता रहा है। तीसरा ये वाला एरिया जो कि बता रहा है बी प्लस सी, और ये वाला एरिया जो कि अकेला बता रहा है सी, राइट। यानी यहाँ पे बनेगा सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। क्लियर हो गया? म्यूटेशन केस पे बढ़ा जाए। चलो फिर अब आते हैं म्यूटेशन केस पे। म्यूटेशन केस कैसे काम करता है? पहले वाइल्ड टाइप के बारे में लिख लेते हैं। वाइल्ड टाइप प्लांट, फर्स्ट रोल में सेपल बना, जिसके लिए अकेला ए क्लास जीन रिस्पॉन्सिबल था। सेकेंड रोल में बना पेटल, जिसके लिए ए प्लस बी रिस्पॉन्सिबल था। तीसरे रोल में बना स्टेमन, जिसके लिए बी प्लस सी रिस्पॉन्सिबल था। और फोर्थ रोल में बना कार्पल, जिसके लिए अकेला सी रिस्पॉन्सिबल। ओके, अब आते हैं म्यूटेशन केस पे। नाउ द कंडीशन इज क्लास ए म्यूटेटेड, हमने क्लास ए को म्यूटेट कर दिया। अब क्या होगा? अब पहले रोल के में क्या बनेगा? दूसरे रोल में, तीसरे में, फोर्थ रोल में, बताओ। देखिए ए क्लास जीन क्योंकि म्यूटेट हो गया, ए क्लास जीन पहले रोल में एक्सप्रेस कर रहा था। हमने अभी अभी देखा था कि ए जहां पे एक्सप्रेस नहीं करेगा वहां सी करेगा, राइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट रोल में ही क्या एक्सप्रेस कर जाएगा? सी एक्सप्रेस कर जाएगा। सेकंड में ए की जगह पे कौन एक्सप्रेस कर जाएगा? सी, यानी सी प्लस बी एक्सप्रेस कर जाएगा।
थर्ड और फोर्थ रोल में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चुपचाप जैसे एक्सप्रेस कर रहे थे वैसे ही करेंगे, क्योंकि ए सिर्फ फर्स्ट और सेकंड रोल में था इसलिए वहां पे चेंजेस आए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जहां पे जो क्लास की जीन एक्सप्रेस कर रही है ना, वो उसी क्लास के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन लेके आएगी। तो सी क्लास एक्सप्रेस कर रही है तो यहाँ पे कार्पल बनाएगी, सी प्लस बी क्या करते हैं, सी प्लस बी स्टेमन बनाते हैं, तो यहाँ भी स्टेमन बनेगा, यहाँ भी सी प्लस बी है तो यहाँ भी स्टेमन बनेगा, और यहाँ पे सी है अकेले तो यहाँ पे बनेगा क्या, कार्पल। यानी अगर मैं म्यूटेंट फिनोटाइप की बात करूं, ये जो फिनोटाइप मुझे मिला है यहाँ पर वो कैसा है, वो है कार्पल स्टेमन स्टेमन कार्पल। यानी ऐसा फ्लावर जिसमें एक क्लास जीन म्यूटेट हो गया है उसका फिनोटाइप मुझे देखने को मिलेगा कार्पल स्टेमन स्टेमन कार्पल। और कौन सा जीन, आई मीन उसे कौन सा फिनोटाइप एब्सेंट है, इसका एब्सेंस देखने को मिलेगा, जो चीज नहीं बनी है, राइट, जो चीज लैक कर रही है, यानी कौन सा पार्ट लैक कर रहा है, दैट इज सेपल एंड पेटल। तो क्या ये कहना सही रहेगा कि ए क्लास जीन इज इन्वॉल्व इन सेपल एंड पेटल फॉर्मेशन? आंसर इज यस, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया ए क्लास की कहानी। बी क्लास जीन को म्यूटेट करते हैं, बी क्लास म्यूटेटेड, तो बताइए फर्स्ट रोल में क्या होगा, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। अगर बी क्लास जीन म्यूटेट होता है तो सीधी सी बात है ए क्लास जीन तो प्रॉपर रहेगा, ठीक है। बी एक्सप्रेस करने का मतलब, बी जीन म्यूटेट होने का मतलब है सेकंड में ए प्लस बी एक्सप्रेस हो रहे थे तो बी नहीं कर पाएगा तो अकेला ए एक्सप्रेस करेगा, थर्ड में बी प्लस सी एक्सप्रेस कर रहे थे बी नहीं करेगा तो सी अकेला करेगा, और फोर्थ में तो सी था ही। एक्चुअल में इसका जो फिनोटाइप आया वो क्या आया, ए अकेला करेगा तो सेपल आएगा, फिर ये भी सेपल, और सी अकेला करेगा तो कार्पल आएगा। यानी म्यूटेंट फिनोटाइप, म्यूटेंट फिनोटाइप जो यहाँ पे निकल के आया वो क्या था, वो था सेपल सेपल कार्पल कार्पल। आप सबका भी वही आ रहा है, चलो ग्रेट। और कौन सा पार्ट अफेक्टेड रहा, अफेक्टेड यानी एब्सेंस किसका रहा, अफेक्टेड भी बोलते हैं, बोलते हैं कौन सा पार्ट अफेक्टेड हुआ, अफेक्टेड यानी जो फॉर्म नहीं हो पाया, जो लैग कर रहा है, जो कि क्या होगा यहाँ पे, जो कि होगा पेटल एंड स्टेमन। तो क्या ये कहना सही रहेगा कि बी क्लास जीन इज इन्वॉल्व इन पेटल एंड स्टेमन फॉर्मेशन? आंसर इज यस, बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट सी क्लास जीन को म्यूटेट करते हैं, सी क्लास म्यूटेटेड, तो बताइए इसके फर्स्ट रोल में, सेकंड रोल, थर्ड रोल, फोर्थ रोल। देखिए सी क्लास म्यूटेटेड है तो ए क्लास तो नॉर्मल रहेगा, ठीक है, सेकंड रोल भी ठीक रहेगा, ए प्लस बी रहेगा, थर्ड में क्या होगा, जहां बी प्लस सी एक्सप्रेस करा था तो सी तो म्यूटेट हो गया, तो आपको पता है कि जहां सी नहीं रहेगा वहां ए पहुंच जाएगा, और लास्ट में सी था, सी नहीं रहेगा तो वहां ए चला आएगा। तो ये अकेला क्या बनाता है, सेपल, ए प्लस बी क्या बनाते हैं, पेटल, तो ए प्लस बी क्या बनाएंगे, पेटल, ए अकेला क्या बनाएगा, सेपल। तो जो म्यूटेंट फिनोटाइप होगा यहाँ पे, फिनोटाइप वो क्या होगा, वो होगा सेपल पेटल पेटल सेपल। कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड रहा, कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड रहा जो नहीं बना है, दैट इज स्टेमन एंड कार्पल, मेल एंड फीमेल ऑर्गन जो है वो मिसिंग हो गए। बताइए क्लियर हुआ ये म्यूटेशन केस? अगर आप इसके पिक्चर को भी देखना चाहें, ठीक है, इसके पिक्चर को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये है एक वाइल्ड टाइप फ्लावर, दिस इज अ वाइल्ड टाइप फ्लावर, इसमें सारे ऑर्गन हैं, पेटल स्टेमन कार्पल, ठीक है, सब कुछ है। बी में देखिए, अब बी को अगर मैं कहती हूं तो मैं आपको बोलूँ दिस इज AP2 म्यूटेंट, कोई मुझे बताएगा कौन सा क्लास इसमें म्यूटेट हुआ है?
इफ आई एम सेइंग दैट द बी डायग्राम इज फॉर ए पी टू म्यूटेंट, यानी एपिटाला टू म्यूटेट हो गया है इसमें, ये कौन से क्लास का म्यूटेशन केस है, क्या लगता है? दिस इज अ क्लास ए म्यूटेशन, क्लास ए म्यूटेट हो गया है। तो हमने बात की थी कि जब क्लास ए म्यूटेट हो जाता है तो ना सेपल बनता है ना पेटल बनता है, मेल एंड फीमेल ऑर्गन बनते हैं, दैट इज स्टेमन एंड कार्पल। देखिए तो इस केस में क्या बना है, इस केस में स्टेमन बने हैं और बीच में कार्पल बना है, बस राइट। तो जो क्वेश्चन है वो जीन के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि AP3 म्यूटेट हो गया, बताओ क्या होगा। जैसे कि अगला वाला ही देखिए, सी जो है कह रहा है इसमें ये PI म्यूटेंट है, दिस इज अ PI म्यूटेंट, कौन सा क्लास म्यूटेट हुआ? इफ दिस इज अ PI म्यूटेंट, इफ दिस इज अ PI म्यूटेंट, तो कौन सा क्लास म्यूटेट हुआ है, क्या लगता है? दैट इज क्लास ई, राइट, क्लास बी म्यूटेंट है। पीआई म्यूटेशन का मतलब है क्लास बी म्यूटेंट, क्लास बी म्यूटेट होता है तो क्या होगा, सेपल बनेगा जो कि दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है सेपल बनेगा, क्या पेटल बनेगा, पेटल के लिए बी चाहिए होता, नहीं बनेगा, स्टेमन बनेगा, नहीं बनेगा, कार्पल बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए सेपल भी आ गया और यहाँ पे कार्पल आ गया, बस यही दो ऑर्गन है। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था स्टेमन और यहाँ था कार्पल, यहाँ पे सेपल बन जाएगा, कार्पल बन जाएगा, बस नो पेटल नो स्टेमन। डी देखिए, डी जो है ये है क्या, एगमस म्यूटेंट, ये है एजी म्यूटेंट, एजी म्यूटेंट मतलब कौन सा क्लास म्यूटेट हो गया इसमें, इसमें हो गया क्लास सी म्यूटेंट। तो क्लास सी म्यूटेट होता है तो क्या होता है, ना मेल ऑर्गन बनता है ना फीमेल बनता है, ना स्टेमन बनता है और ना ही कार्पल बनता है, क्या बन जाता है, पेटल एंड सेपल। तो यहाँ पे फिलहाल में तो पेटल सी दिख रहे हैं, पीछे की तरफ क्या होगा, पीछे की तरफ कहीं सेपल हो। तो जो हमने म्यूटेशन केस पढ़ा उसको विजुअलाइज करने का होपफुली आपको मौका मिल गया, यहाँ पे क्लियर हुआ। तो जिस जगह पर अगर मैं कहूँ कि म्यूटेशन केस में जहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है एक ही ऑर्गन का, तो जैसे कि फोर्थ वाले में ले लेते हैं जहाँ पे एगमस म्यूटेशन था, तो उस केस में क्या होगा, जहाँ स्टेमन एंड कार्पल होना चाहिए वहाँ पे भी हमको क्या देखने को मिलेगा, दैट इज सेपल देखने को मिलेगा या पेटल देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके फाइन, तो ये हो गया आपका ओवरऑल ए बी सी मॉडल, ठीक है। अब ए बी सी डी ई मॉडल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, ए बी सी डी ई मॉडल में डी और ई जीन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। जानना भी जरूरी है कि डी और ई जीन करते क्या है। वैसे तो सी एस आर में अभी तक ए बी सी मॉडल से ही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन दूसरे एग्जाम में ए बी सी डी ई मॉडल से भी क्वेश्चन आने लगा है, सो दैट इज वाई वी आर डीलिंग दिस। जो डी यहाँ पे होता है, डी क्लास जीन, ये क्या करता है, ये ओव्यूल के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ई क्लास जो जीन होता है वो क्लास ए बी सी डी सभी के साथ मिलकर फंक्शन करता है। ए बी सी के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ वो जीन क्या करते हैं और क्या बनाते हैं। जैसे ए बना रहा था सेपल, ए और बी पेटल बना रहे थे, बी और सी स्टेमन बना रहे थे, सी अकेला कार्पल बना रहा था। अब डी का इंट्रोडक्शन हुआ है तो डी यहाँ पे ओव्यूल बनाता है और ई जो है ये ए बी सी डी सभी के साथ इक्वली कंट्रीब्यूट करता है। अब ये कैसे करता है जरा सा हम ये समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है दिस इज अ ए बी सी ई मॉडल, डी अभी यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं किया, ये ए बी सी ई मॉडल है। तो देखिए मैंने जो अभी फिलहाल में आपको टी नेट बना के दिखाया था वो सेम टू सेम ये वही टी नेट है। जैसे कि ये रहा बी, ये रहा ए, ये रहा सी,
बस नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ एक ई क्लास जीन इंट्रोड्यूस हो गया है ये ग्रीन वाली लेयर में, जिसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक जब तक आप एबीसी पढ़ते हो ना, आप एबीसी पे इंटरेस्टेड रहते हो, जब आप एबीसी ई पढ़ रहे हो दैट इज अ इंडिकेशन कि सेपल बनने में अकेला ए काम नहीं कर रहा था, ए प्लस ई काम कर रहा था। पेटल बनने में अकेला ए बी काम नहीं कर रहा था, इसके साथ ई भी काम कर रहा था। सेम गोज विथ स्टेमन कि यहाँ पर बी प्लस सी प्लस ई काम कर रहा था और कार्पल के साथ भी सी प्लस ई काम कर रहा था। बट प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जब तक क्वेश्चन में ए बी सी मेंशन हो तब तक ई को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअल में ये यहाँ पे तीन मॉडल है, ए बी सी मॉडल, ए बी सी ई मॉडल, ए बी सी डी ई मॉडल। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन में मेंशन क्या किया है। अगर मान लीजिए कल को पूछ दे इन ए बी सी मॉडल पेटल फॉर्मेशन इन्वॉल्व क्लास बी एंड ए बोथ जीन, आप हो सकता है बोल दो कि मैम ये तो गलत है, इसमें तो ई भी इन्वॉल्व होता है। ई तब इन्वॉल्व होता है जब हम ए बी सी ई मॉडल कंसिडरेशन में लेते हैं और क्वेश्चन में मेंशन हो तब। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और जब तक ई मेंशन ना हो ई को कंसिडर नहीं करना है। जैसे यहाँ पे ई मेंशन कर दिया है तो देखिए हर जगह हमने यहाँ पर ई को इंट्रोड्यूस कर दिया है, यहाँ भी ई को लेकर आ गए, इधर भी ई को लेकर आ गए, इधर भी और इधर भी। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। ओके, अब ई क्लास जीन के बारे में जरा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। यस, ई क्लास जीन इज प्रेजेंट विथ ऑल द अदर जीन्स, ऑल द अदर क्लासेस। ठीक है, ई इज समहाउ ट्रीटिंग ऑल द क्लासेस ऑन अ इक्वल बेसिस। अब ई क्लास जीन में क्या क्या चीजें हुई जरा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, Since ABC gene were identified, another class of floral homeotic gene called the class E gene has been discovered. Class E gene ko bhi with time jo hai discover kiya gaya. Mutation in the three of the other gene identified in the mutant screen for the floral homeotic mutant agamous-like 1-2-3 produce only subtle phenotype when mutated individually. To shuruaat mein kya kiya gaya ki E class gene mein aane wale जो ई क्लास है उसके अंदर आने वाले जीन्स को एगमस लाइक बोला गया। ठीक है, कि एगमस के जैसा है, एगमस लाइक वन यानी AGL1, AGL2, AGL3 कहा गया। आगे चल के क्या देखा गया, हाउएवर द फ्लावर ऑफ AG1, AGL2, AGL3 ट्रिपल म्यूटेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिपल म्यूटेंट? ट्रिपल म्यूटेंट का मतलब होता है जो तीन जीन थी AGL1, 2, 3 तीनों को एक साथ म्यूटेट कर दिया प्लांट में, इसे हम कहते हैं ट्रिपल म्यूटेंट। तो जब तीनों को एक साथ म्यूटेट कर दिया गया तो हमें जो फिनोटाइप मिला वो मिला सेपल लाइक स्ट्रक्चर ओनली, यानी पूरे फ्लावर में जो है सिर्फ सेपल ही सेपल थे। यानी ये देखिए, ये कुछ ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा था, सिर्फ सेपल ही सेपल फॉर्म हो रहे थे। Because of the sepal rich phenotype of triple mutant, the three AGL gene were renamed as a sepalata 1-2-3 and were added to a ABC model as a class E gene. क्योंकि जब AGL1, AGL2, AGL3 तीनों को जब एक साथ म्यूटेट किया गया ना, तो देखने को मिला कि जो फिनोटाइप मिल रहा है वो सेपल लाइक मिल रहा है, यानी सारे रोल में सिर्फ सेपल ही सेपल फॉर्म हो रहे हैं। तो कहा गया कि ई क्लास जीन, ई क्लास में आने वाले जीन का नाम सेपलाटा रख देते हैं क्योंकि वो उसके म्यूटेंट फिनोटाइप से मैच होगा। हेंस AGL1, 2, 3 को रीनेम करके सेपलाटा 1, 2, 3 कर दिया गया और इसको ई क्लास जीन में डाल के एबीसी मॉडल में ऐड करके एबीसी ई मॉडल बना दिया गया। ठीक है, एक और जीन देखा गया सेपलाटा 4, सेप 4।
is required redundantly with another 3 sep gene to confer the sepal identity and contribute to the development of other 3 organ type. फिर बाद में देखा गया कि एक और जीन है जिसको कि सेप 4 यानी सेपलाटा 4 कहा गया. इसका फंक्शन भी बाकी 3 की तरह ही रिपीटेटिव था, यानी सेम फंक्शन था, और ये भी बाकी सारे ऑर्गन के साथ ही काम कर रहा था, तो इसको भी लाके क्लास ई में डाल दिया गया. तो अभी फिलहाल में हम सेपलाटा 1, 2, 3, 4 चार जीन को कंसिडर करते हैं क्लास ई में. स्टेप क्वाड्रुपल म्यूटेंट. अब एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, क्वाड्रुपल म्यूटेंट बनाया गया. क्वाड्रुपल म्यूटेंट यानी स्टेप 1, 2, 3, 4 चारों को एक साथ म्यूटेट कर दिया गया. तो देखने को क्या मिला, इसे हम बोलते हैं चारों को एक साथ म्यूटेट हो रहा है कर देना, मतलब कि क्वाड्रुपल म्यूटेंट. क्वाड जो वर्ड है वो चार के लिए इस्तेमाल होता है. तो क्वाड्रुपल म्यूटेंट में क्या देखने को मिला, देयर वाज अ कन्वर्जन ऑफ ऑल द 4 फ्लोरल ऑर्गन टाइप इनटू अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर सिमिलर टू द AP1, AP2, AP3, PI एगमस क्वाड्रुपल म्यूटेंट. तो देखिए क्या देखने को मिला, अगर आप चारों सेपलाटा जीन को एक साथ म्यूटेट कर देते हैं तो पूरा फ्लावर जो है एक ऐसे फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे, उसमें और कोई ऑर्गन नहीं पाया जाएगा. आर यू गेटिंग दिस, सबको समझ में आ रहा है? ओके, तो सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाएगा, मतलब कि पहले रोल, सेकेंड रोल, थर्ड रोल, फोर्थ रोल, सभी में लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ वहां पे लीव्स ही दिखेंगे, और वो लीफ ऐसे अरेंज होंगे जैसे कि मानो वहां पे फ्लावर अरेंज होके रखे हो. ठीक है, सेम यही चीज कब देखने को मिली थी, जब AP1, AP2, AP3 या PI में से किसी एक को और एगमस को, इन पांचों में से किसी चारों को जब म्यूटेट कर दिया गया था एक साथ, तो सेम यही स्ट्रक्चर देखने को मिला था. यानी ABC जीन में अगर क्वाड्रुपल म्यूटेंट हो रहा था तो भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा था, और सेपलाटा 1 से लेके 4 तक क्वाड्रुपल म्यूटेंट अगर हम बना रहे थे तो भी हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही मिल रहा था. ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? यानी सेम फिनोटाइप हमको मिलता है अगर हम ABC मॉडल के जो जीन्स हैं उनका क्वाड्रुपल म्यूटेंट ले, यानी किसी चार जीन को म्यूटेट कर दें, और सेपलाटा सेप क्वाड्रुपल म्यूटेंट ले अगर हम, यानी सेप 1 से लेकर 4 तक सभी जीन को म्यूटेट कर दिया जाए, तो भी हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही देखने को मिलता है. सो एक्सप्रेशन ऑफ क्लास ई जीन इन कॉम्बिनेशन ऑफ A and B जीन, इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट बोथ कॉटिलेडन एंड वेजिटेटिव लीफ इन टू द पेटल्स. यानी कहा क्या गया है कि अगर मान लेते हैं हम कॉटिलेडन या वेजिटेटिव लीव्स को ले लें और उसमें हम क्लास ई, क्लास ए और क्लास बी तीनों को एक साथ एक्सप्रेस कर दे, तो हम कॉटिलेडन या फिर लीफ को पेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो क्या ये सही बात बोली है? बिल्कुल, क्योंकि ये मत भूलिए A+B विल गिव राइज टू पेटल, और वेन वी आर स्टडिंग द ABCE मॉडल एट दैट टाइम वी आर ऑल्सो कंसिडरिंग ई along with A and B. So that is an indication ki combination of E, A and B that is going to give rise to petal. So ek experiment kiya gaya jisme kya kiya ki plant mein jahan pe cotyledon ya vegetative leaf express kar rahe the us area mein kya kiya gaya, us area mein A plus B plus E class ko express karwa diya gaya. और एज अ रिजल्ट ऑफ क्या मिला, एज अ रिजल्ट हमको देखने को मिला कि वो जो कॉटिलेडन एंड वेजिटेटिव लीफ वाला एरिया था अब वो पेटल में कन्वर्ट हो गया. इसे हम बोलते हैं एक्टोपिक एक्सप्रेशन. ठीक है, एक्टोपिक एक्सप्रेशन मींस द एक्सप्रेशन विच इज बियॉन्ड द नॉर्मल, यानी नॉर्मली वो नहीं होने वाला था, हमने वो एक्सप्रेस करवा दिया, यानी समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल, इट इज क्लोज टू एबनॉर्मल थिंग. क्लियर हुआ? यानी ये कुछ ऐसा दिखने लगा, पेटल्स ही पेटल्स फॉर्म होते हुए देखने को मिलने लगे जब हमने इस प्लांट में A+B+E को एक्सप्रेस करवा दिया, स्पेशली इसके कॉटिलेडन एरिया में एंड वेजिटेटिव लीफ एरिया. और A+B+E एक्सप्रेस होने का मतलब था कि एक तरीके से लगभग जो है ई क्लास जीन भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, बी क्लास भी कर रहे हैं और ए क्लास भी कर रहे हैं. क्लियर?
आगे बढ़ा जाए, सबको समझ में आ गया तो। चलो हमारे पास एक और पिक्चर होगा, यस, ये आपको और बेटर ढंग से क्लैरिटी दे देगा। यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेपल बनाने के लिए ए क्लास एज वेल एज ई क्लास की ज़रूरत है, पेटल बनाने के लिए बी ए ई की ज़रूरत है, स्टेमन के लिए बी सी ई की ज़रूरत है, कार्पल के लिए सी और ई की ज़रूरत है। सिमिलर बेसिस पे इसे हम क्वाड्रेट मॉडल कहते हैं। क्वाड्रेट मॉडल मतलब क्वाट वर्ड ऐड हो गया, मतलब चार, ए बी सी ई, टोटल चार। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं डी क्लास के बारे में। डी क्लास जो जीन होता है ये ओव्यूल स्पेसिफिक जीन होता है, फाइन। और ये जो जीन है इसमें, मतलब आई मीन टू से ये जो क्लास है इसमें भी दो टाइप के जीन आपको देखने को मिल जाते हैं। एक है क्या, दैट इज शटर प्रूफ वन एंड शटर प्रूफ टू, और दूसरा है सीड स्टिक। ठीक है, ये जीन होते हैं शटर प्रूफ वन यानी SHP1, SHP2 एंड STK जीन। देखा गया कि अगर आप इन जीन्स को अगर आप एक्टोपिक एक्सप्रेशन कर लेते हैं इस जीन का, SHP जीन का या STK जीन का, तो ये काफी होता है किसी और ऑर्गन को ओव्यूल में कन्वर्ट करने में। ठीक है, जैसे कि क्या किया गया, सेपल में SHP1 और SHP2 या फिर STK, इन जीन को एक्सप्रेस करवा के देखा गया, जो कि क्या थे, जो कि थे एक तरीके से क्लास डी जीन। इनको जब एक्सप्रेस करवाया गया एक्टोपिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्टोपिक एक्सप्रेशन जब करवाया गया, तो सेपल जो है एक्चुअल में यहाँ पे ओव्यूल में कन्वर्ट हो गया। मोर ओवर STK, SHP1, SHP2 ट्रिपल म्यूटेंट लैक नॉर्मल। अगर आप इन तीनों जीन का एक साथ म्यूटेशन कर देते हैं, यानी ट्रिपल म्यूटेंट अगर आप क्रिएट कर देते हैं, तो नॉर्मल ओव्यूल जो है फॉर्म नहीं होगा। दस इन एडिशन टू क्लास सी एंड ई जीन, क्लास डी जीन आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ओव्यूल डेवलपमेंट। यानी ओव्यूल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, ओव्यूल डेवलपमेंट के लिए सी चाहिए, डी चाहिए और ई चाहिए। ये क्लास ऑफ जीन जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओव्यूल फॉर्मेशन। हमारे पास जो अगला, ये जो हमारा मॉडल आता है, जो कि है ए बी सी डी ई मॉडल, इसमें देखिए सब कुछ साफ साफ दिखा के रखा है। जैसे कि सेपल बनने के लिए क्या चाहिए, सेपल बनने के लिए ए और ई चाहिए, पेटल के लिए ए बी एज वेल एज ई चाहिए, स्टेमन के लिए देखिए क्या चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए और ई चाहिए, कार्पल के लिए सी और ई चाहिए, ओव्यूल के लिए देखिए, ओव्यूल के लिए क्या चाहिए, क्लास डी भी चाहिए, सी भी चाहिए और ई भी चाहिए। बताओ क्लियर हुआ ये? अच्छा, कुछ जीन का एक्सप्रेशन यहाँ पिक्चर में दिखा के रखा है, कुछ का दिखा के नहीं रखा है, दैट डजंट मीन कि वो जीन इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो बिल्कुल इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगेन आई एम सेइंग दिस, जब तक डी ई का नाम मेंशन ना हो, डी ई कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि अभी तक जैसे मैंने कहा CSIR सिर्फ ABC मॉडल पूछ रहा है, डी ई पे पहुंचा नहीं है वो। लेकिन क्योंकि अब क्वेश्चन ऐसे आने लगे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी डी ई पे भी क्वेश्चन आ जाए, तो हमने साथ साथ में इसको भी पढ़ लिया। जी क्लियर? सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को आप लोग लाइक कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा हमने ABC मॉडल या ABCDE मॉडल पढ़ा, वो हमने मेनली Arabidopsis thaliana के लिए पढ़ा, जिसको हमने एज अ मॉडल प्लांट कंसिडर किया था। ओके, चलिए तो अब क्वेश्चन कर लिया जाए। ओके, ट्राई दिस वन। जी, ई म्यूटेट होगा तो पूरे फ्लावर में सेपल लाइक कंडीशन देखने को मिलेगा।
सॉरी सेपल बोलूँ, पेटल लाइक कंडीशन देखने को मिलेगा। ओके मैंने उल्टा बोल दिया, नॉट पेटल लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। उसमें सेपलाटा जीन इन्वॉल्व जरूर हो रहा है, लेकिन जब वो म्यूटेट हो जाएगा, मतलब ई म्यूटेट हो गया है, यानी उसके सारे के सारे सेपलाटा जो वहां पे जीन्स हैं वो म्यूटेट हो गए हैं, तो पूरे प्लांट में क्या होगा, पूरे प्लांट में जो उसमें लीव्स होते हैं, पत्ते जो होते हैं, वो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाएगा। मतलब मान लीजिए एक लीफ है, तो लीफ ऐसे करके दिखेगा आपको, जिसको कि हम सूडो फ्लावर भी कहते हैं, ऐसा दिखेगा ऐसा कुछ। लेकिन ये जो ये अरेंज होगा भले ही फ्लावर फॉर्म में, लेकिन ये होगा लीफ। बिल्कुल रोजेट फॉर्म आप कह सकते हैं, जैसे पालक होता है, पालक में सिर्फ पत्ते ही पत्ते दिखते हैं आपको, ऐसा ही कुछ आपको दिखेगा, पालक हो गया। इसके अलावा आपका कैबेज हो गया, उसमें भी आपको रोजेट फॉर्म देखने को मिलता है, ऐसा ही कुछ आपको फ्लावर देखने को मिलता है, सिर्फ उसमें पत्ते ही पत्ते होंगे और कुछ नहीं मिलेगा। यस डी म्यूटेट हो गया तो ओव्यूल फॉर्म नहीं होगा। पिंकी एबीसी तब तक काम करते हैं जब तक आप एबीसी को कंसीडर करो, ठीक है? इसलिए आपको तीनों को अलग अलग पढ़ाया है मैंने आज, आपको तीन मॉडल पढ़ाया है, एबीसी मॉडल पढ़ाया है, एबीसीई मॉडल पढ़ाया है, फिर एबीसीडीई मॉडल पढ़ाया है, ये हमने आज तीन मॉडल पढ़ाया है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। ओके मल्टीपल आंसर आ रहा है, कोई बोल रहा है टू, कोई बोल रहा है थ्री। क्या बोला है, बेस्ड ऑन द एबीसी मॉडल व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर दैट हैड अ नॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एएनसी। नॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एएनसी यानी ए नॉर्मली कहाँ एक्सप्रेस करता है, फर्स्ट रोल में, तो ए को यहाँ डाल दो। अच्छा नॉर्मल एक्सप्रेशन, ए फर्स्ट रोल में भी एक्सप्रेस करता है, सेकेंड में भी करता है, सी थर्ड में करता है, फोर्थ में करता है, एंड एक्सप्रेशन ऑफ बी इन ऑल फोर रोल्स, और बी का एक्सप्रेशन सारे रोल में कर दिया गया, मतलब बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी ये आ गया। ए प्लस बी क्या देगा हमको पता है, ए प्लस बी विल गिव राइज टू पेटल, ये होगा पेटल, ये होगा स्टेमन, ये होगा स्टेमन, ठीक है? बोला है क्या फिनोटाइप आएगा, तो पूछ लीजिए जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ये रहा सेकेंड ऑप्शन। इन्होंने उल्टा देके रखा है, स्टेमन स्टेमन पेटल पेटल देके रखा है, जबकि पेटल पेटल स्टेमन स्टेमन होना था, बट ठीक है हमें ऑप्शन के लिए काफी है ही, हम इसको पिक कर सकते हैं क्योंकि बाकी तो कोई सही है ही नहीं। अगला सवाल, चलो देखते हैं, मैक्सिमम बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, आई मीन टू से सेम आंसर दे रहे हैं, देखते हैं क्या होगा बाकी। मैक्सिमम बच्चों का कहना है टू, द बेसिक टीनेट्स ऑफ एबीसी मॉडल ऑफ अरबिडोप्सिस फ्लावर डेवलपमेंट आर शोन बिलो अलोंग विद द डायग्राम, ठीक है? आपको बताना है, ओके यहाँ पे बहुत सी कहानी देखे रखी है जो कि आप पढ़ सकते हैं, हमको पता है इसलिए हम नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, बट आप पढ़ सकते हैं। बोला है कौन सा ऑर्गन अरेंजमेंट होगा अगर म्यूटेशन ए क्लास में होगा, तो ए क्लास में म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, पहले ही रोल में कार्पल चला आएगा, राइट?
देखिए, पेटल पेटल स्टेमन कार्पल तो होगा नहीं, कार्पल स्टेमन स्टेमन कार्पल, बिल्कुल सेकंड वन सही होगा। क्यों? क्योंकि पहले रोल में चला आएगा सी तो कार्पल बनाएगा, सेकंड में सी प्लस बी तो ये क्या बना देगा, स्टेमन, तीसरे में तो स्टेमन था ही, फोर्थ में भी कार्पल बन जाएगा, तो हो गया हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ए म्यूटेट होने पे स्टेमन स्टेमन कार्पल कार्पल नहीं, सीक्वेंस प्रॉपर बोलिए, कार्पल स्टेमन स्टेमन कार्पल, दोनों में फर्क हो गया। क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हो तो मजबूरी में हमको ऑप्शन पिक करना पड़ता है, बट हमें कभी भी सीक्वेंस को अपने आप से डिस्टर्ब नहीं करना। देखते हैं क्या बोला गया। बेस्ड ऑन ए बी सी मॉडल ड्यूरिंग द फ्लावर डेवलपमेंट, लॉस ऑफ ए एक्टिविटी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओनली स्टेमन एंड कार्पल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन कंट्रोल द ए क्लास एक्टिविटी, कौन सी ए क्लास एक्टिविटी को कंट्रोल करता है जीन। पहला एपिटाला वन, एपिटाला टू, पहला ही सही हो गया। पिस्टिलाटा, ये तो बी को करता है, ओनली पिस्टिलाटा तो होगा नहीं, ओनली एगमस सी को करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट, वाई नॉट फोर? हर्षदीप, आई विल रिक्वेस्ट यू टू वॉच द कंप्लीट सेशन, देन यू विल अंडरस्टैंड वाई नॉट फोर। ए क्लास जिनमें एपिटाला वन एपिटाला टू आते हैं, एगमस कब से आने लगा ए क्लास में? चलिए, मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं वन। ओके, यहाँ पे टी नेट दे के रखा है और आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। पहला एपी टू ट्रांसक्रिप्ट एक्सप्रेस ड्यूरिंग द सेपल एंड पेटल डेवलपमेंट, एपी टू इज द पार्ट ऑफ ए क्लास जीन और ए क्लास जीन पेटल एंड सेपल दोनों ही बनाता है, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, एगमस ए जी इज कंसिडर्ड एज क्लास ए जीन, नो इट्स अ क्लास सी जीन। एपी वन एक्सप्रेस ड्यूरिंग द कार्पल डेवलपमेंट, नो एगमस एक्सप्रेस ड्यूरिंग द कार्पल डेवलपमेंट। एपी थ्री एक्सप्रेस ड्यूरिंग द सेपल डेवलपमेंट, नो एपी वन एक्सप्रेस ड्यूरिंग द सेपल डेवलपमेंट, तीनों ही गलत हो गए, पहला ऑप्शन सही हो गया, दैट इज वन। नेक्स्ट, अभिषेक मौर्या जी, एग्जाम का स्ट्रेस लेने से क्या होगा, एग्जाम अच्छा जाएगा? और अगर अच्छा जाता है स्ट्रेस लेने से तो स्ट्रेस लीजिए, फिर तो हम बोलेंगे स्ट्रेस अच्छे हैं, जैसे कि दाग अच्छे होते हैं सर्फ एक्सेल के एड में हम देखते हैं, है ना, बट एग्जाम के लिए तो स्ट्रेस बड़ी बुरी चीज होती है, तो मेहनत कीजिए, स्ट्रेस से कुछ नहीं होने वाला, अच्छे काम को भी बिगाड़ देता है स्ट्रेस। कोई बात नहीं, होता है, कितनी बार ऐसे कंडीशन आते हैं, इससे भी वर्स कंडीशन आपके सामने आएंगे और आपको झेलना पड़ेगा, है ना, तो स्ट्रेस होने से नहीं होगा, सॉल्यूशन देखिए कि क्या किया जा सकता है।
मैक्सिमम स्टूडेंट आर सेइंग वन. चलो देखते हैं. ओके, यहाँ पे बोला है कि म्यूटेशन हुआ है जिसके वजह से जो हमें यहाँ पे फिनोटाइप देखने को मिल रहा है वो है कार्पल स्टेमन, स्टेमन कार्पल. ठीक है, आपको बताना है किस में म्यूटेशन हुआ है. पहले ही रोल में कार्पल है मतलब सी एक्सप्रेस हो रहा होगा. पहले रोल में सी एक्सप्रेस होने का मतलब क्या है, मतलब ए गड़बड़ हुआ है. ए गड़बड़ मतलब ए वाले जीन गड़बड़ हुए हैं. यहाँ पे ए वाला जीन सिर्फ एक ही है, दैट इज एपिडर्मल. हेंस आंसर विल बी वन. इजी. नेक्स्ट. चलो, मैक्सिम बच्चे कह रहे हैं वन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लीफी विच इज अ रेगुलेटरी जीन इन एब्रियोप्सिस थालियाना इज करेक्ट. पहला है लीफी इज इन्वॉल्व इन फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी. बिल्कुल सत्य वचन बोला है. बोला है लीफी इज इन्वॉल्व इन लीफ एक्सपेंशन, एकदम गलत. लीफी इज इन्वॉल्व इन रूट मेरिस्टम आइडेंटिटी, गलत. लीफी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फार रेड लाइट मीडिएटेड सीडलिंग ग्रोथ. भाई साहब, इतना भारी भरकम स्टेटमेंट. पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है. नेक्स्ट. चलो देखते हैं. मैक्सिम बच्चे कह रहे हैं टू. फ्लोरल ऑर्गन डेवलपमेंट इज कंट्रोल्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी एंड क्लास सी जीन्स इन डिफरेंट रोल्स. एरबिडोप्सिस म्यूटेंट द फ्लावर हैड अ सेपल, सेपल कार्पल कार्पल इन फोर रोल्स. किसमें म्यूटेशन हुआ है आपको बताना है. सेपल मतलब कि एक तरीके से क्लास ए जीन, क्लास ए जीन. कार्पल कार्पल यानी क्लास सी, क्लास सी. यानी यहाँ से बी गायब, यहाँ से भी बी गायब, राइट. तो क्लास बी जिन में म्यूटेशन हुआ है तो हो गया सेकेंड ऑप्शन. अगला सवाल. अगले सवाल के लिए, अगले सवाल के लिए जो है ध्यान से पढ़िएगा इसको, तभी एक आइडिया मिलेगा. अदरवाइज मे भी आप इस क्वेश्चन को गलत कर दें.
चलो देखते हैं क्या बोला है। मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं बी, विच वन विच ऑफ द फ्लोरल ऑर्गन इज अफेक्टेड, अफेक्टेड पूछा है AP-DARA3 और PI म्यूटेंट में, यानी बी क्लास जीन म्यूटेट हुआ है। बी क्लास जीन म्यूटेट हो गया मतलब कि पहले रोल में सेपल, दूसरे में सेपल, तीसरे में कार्पल, कार्पल क्या नहीं बना, पेटल नहीं बना, स्टेमन नहीं बना, तो पेटल और स्टेमन अफेक्टेड है। पेटल और स्टेमन यानी सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट चलो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं वन। ओके यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट बताना है। पहला है टू मेजर टाइप ऑफ जीन रेगुलेट रेगुलेट फ्लावर डेवलपमेंट, मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन एंड फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। एकदम सही बोला है, ट्रू। इंपॉर्टेंट जीन इन एपिटोप्सिस दैट प्ले की रोल इन द मेरिस्टम आइडेंटिटी आर AP-TALA1 लीफी एंड SOC1। अच्छा मे बी आपको पता ना हो बट यस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। SOC1 भी जो है वन ऑफ द जीन होता है जो कि मेरिस्टम आइडेंटिटी में मदद करता है। द जीन दैट डिटरमाइन द फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी वे डिस्कवर्ड एज अ फ्लोरल होम्योटिक म्यूटेंट। ये जो जीन्स हमने पढ़े हैं ना उनको एक्चुअल में उनके म्यूटेशन केस में डिस्कवर किया गया था, तो इस बेसिस पे चलते हैं तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। नेक्स्ट है मोस्ट प्लांट होम्योटिक जीन बिलोंग टू द क्लासेस रिलेटेड टू द सीक्वेंस नोन एज अ फैट बॉक्स। अब देखिए ये जो फैट बॉक्स है ये एक्चुअल में मैड बॉक्स है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए डी गलत है, तो डी इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और क्योंकि हमने पढ़ा था कि फैट बॉक्स नहीं होता मैड बॉक्स होता, तो हम ये आराम से ये ऑप्शन को एलिमिनेट करके पहला ऑप्शन पिक कर सकते थे। ठीक है तो ये तो कुछ क्वेश्चन ABC मॉडल के, बाकी और भी क्वेश्चन होंगे आप उसको आपके PYQ से जो है लेकर कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, उम्मीद करते हैं आज जो हमने सेशन लिया उससे आपको मदद मिली होगी इन क्वेश्चन को डील करने में, साथ ही साथ रिविजन भी बेटर तरीके से हो गया होगा। ठीक है कल अगेन 3 बजे जो है वी आर गोइंग टू स्टडी दी फोटो पीरियडिज्म। ठीक है और 14 तारीख का जो सेशन है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मैं उस दिन ट्रैवल कर रही हूँ तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए कल मिलते हैं 3 बजे, नोट्स इसके जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए। चलो जी हैव अ ग्रेट इवनिंग, पढ़ते रहिए मस्त तरीके से, रिविजन कीजिए।